विक्रम यहाँ आ गया, छुप छुप के वो विवान से मिल रहा था और अब उसने मम्मी को। तुम्हें हमेशा लगता था ना कि मेरा बेटा तुम्हारे बगैर कुछ नहीं कर पाएगा, और आज देखो तुम उसी के रेस्टोरेंट में काम कर रही हो। तू अपने पापा की रहम करम पे जीता रहेगा, हाँ अपना खुद का कुछ नहीं करेगा? एक बच्चे का बच्चा मैं नहीं चाहती। बाहर में जा। तन्वी मैं प्रेग्नेंट हूँ, अभी पता चला। मुझे उसे बताना, ये कहाँ गया इडियट? उसे अब मैं पसंद नहीं, वो मेरा बच्चा तक करना नहीं चाहती। जरा से अधूरे तुम भी, जरा से अधूरे हम भी, कभी थे दिलों के मुसाफिर, अब है अजनबी अजनबी। बिरहा 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 मेरी राह तेरे, बिरहा 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 मेरी राह तेरे। अलविदा फिर क्यों कहा, अलविदा फिर क्यों कहा। विक्रम, उसने तुम्हें नहीं देखा। Come on, काजू फिनिश ऑर्डरिंग। तू कब से इतना स्लो हो गया? विक, मैंने पहली बार तुझे इतना डाउन देखा आफ्टर रेस्टोरेंट ओपनिंग। That too a successful one. What's up? You see, finally आज मैं अपने बेटे से मिला। My son, my blood. My wife, oh I'm sorry, my ex-wife. She's got a man in her life. She's moved on. Everything is perfect. वो खुश है उस करण के साथ। थका है सो जा। And please admit to yourself you're in pain. भाई, pain has become a part of my life. 8 साल से pain में हूँ मैं. And I fucking deserve it. तन्वी, you know what happened? रुको विक्रम, मैंने सीमा दीदी और जीजू को देखा, वैसे। Shit. What? मतलब? तुझे डिटेल दूं क्या गधी? दीदी और जीजू दोनों, यार, they were making babies. Don't tell me, मुझे विजुअल्स आते हैं। सीमा और उसका हस्बैंड, he's so good for nothing. दी तो खुश लग रही थी। मतलब he must be good at something. हाँ, breakup और patch-up sex is the best, you know. अच्छा, तुझे कैसे पता? तुझे कैसे पता कि मुझे नहीं पता? अरे दो लोग झगड़ा करते हैं, sorry बोलते हैं, normal couple stuff. तेरी couple story का क्या हुआ by the way? नहीं यार, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। ना तो सीमा दी के है, ना तेरे आया, तो गया कहाँ वो इस वक्त? सीमा दी के यहाँ पर नहीं है तो? विक्रम शैलेश के यहाँ गया होगा, दारू पीने। मैं काम करती हूँ। मैं ना उसके लिए कोई सुपर्ब सा सरप्राइज प्लान करती हूँ। सब भूल जाएगा वो। The moment I realized that I have fucked up, मुझसे ये गलती हो गई। I knew कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। विक्रम, हम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ, मेरी गलती है यार। I'm sorry. तुम इमोशनली टूटे हुए थे ना, I couldn't. I shouldn't have taken advantage of you, Vikram. I'm sorry. गलती हम दोनों की थी। नहीं विक्रम, गलती मेरी। और अब हम इस गलती को भूल जाना चाहिए। तुम प्लीज नित्या को कुछ मत बताना।
मैं नित्य से झूठ नहीं बोल सकता। तो कुछ मत बोलो उसे। विक्रम तुम प्यार करते हो ना उससे, यू लव हर। मैं जानती हूँ नित्या को, वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। आ गया तू फाइनली। तेरे लिए किया ये सब, इतनी मोमबत्तियां जलाई, साड़ी तेरे लिए पहनी है। बिजली चली गई है। नहीं तूने बिल भरा था इस बार। सुन ना, अभी ये ना ऐसे मायूस चेहरा बना के मत खड़े रहे, बैठ बैठ ना, सिट। यार मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा था, तू ऐसे झगड़ के चला गया बिना कुछ खाए पिए, मुझे बहुत बुरा लगा, इसलिए मैंने तेरी फेवरेट डिश बनाई है। नाप तोल के नहीं बनाई है, दिल से बनाई है, जैसे तू बनाता है। देख तो, टडा, चलो कबाब्स, योर फेवरेट। नित्या, हैव ना, शुरू तो कर। नित्या हाय। आई नो तेरी स्पेशलिटी है, मैंने कुछ ट्राई किया है और चेंज तेरा फेवरेट वाला। नित्या देख, मैं नित्या नाराज है ना, मैं नाराज होना भी चाहिए तुझे। मैं कितनी खराब हूँ, मैं कैसी कैसी बातें करती हूँ तुझसे, कितनी गलत बातें कर देती हूँ। क्यों मैं तुम्हें चेंज करने की कोशिश क्यों कर रही हूँ? कितना प्यार करता है मुझसे। मैं भाड़ में गया फ्रांस, बाहर में गया, वहां का इंस्टीट्यूट नहीं जाएंगे ना हम, वहां क्यों जाना है? सुन हम अपना रेस्टोरेंट यहाँ शुरू करेंगे। सुन हम यहाँ खुश रहेंगे क्योंकि हम साथ होंगे। आई नो यू आर अपसेट बिकॉज मैंने तुमसे कुछ बहुत गलत बातें कही और मुझे बहुत बुरा लग रहा है उस बात का। यार वो बच्चे वाली बात। नित्या मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं भी तुझसे कुछ कहना चाहती हूँ, जब मैं तुझसे कहूँगी ना तो पागल हो जाएगा। विक आई एम प्रेग्नेंट। आई स्लेप्ट विद सीमा, आई स्लेप्ट विद सीमा। आठ साल हो गए इस बात को, पर इस बारे में उसने कभी कुछ नहीं कहा। हर लास्ट सेंटेंस टू मी वॉज आई एम प्रेग्नेंट। नित्या, नित्या प्लीज मुझसे मुझसे बात तो कर प्लीज। नित्या आई एम वेरी सॉरी, मैं जानता हूँ सॉरी का मतलब नहीं। नित्या प्लीज, नित्या प्लीज मेरी बात सुन। देख तू मुझे मारना चाहती है, मुझे मार, मुझे गाली देना चाहती है, गाली दे नित्या प्लीज। देख देख मैं तेरे बिना मर जाऊंगा नित्या प्लीज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई पर मैं ऐसा नहीं हूँ। नित्या प्लीज, नित्या मेरी बात सुन, नित्या प्लीज। फिर उसके बाद नित्या ने कुछ नहीं कहा। सीधा डिवोर्स पेपर्स भेज दिए। उसकी बस एक ही शर्त थी कि मैं उसे कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊं। He surely has a great sense of humor. उसने कुछ नहीं कहा, समझ में आता, पर तूने क्यों नहीं कहा कुछ? यू नो इट्स नेवर टू लेट टू से सॉरी।
नित्य तुम सॉरी क्या वो 2922 सॉरी बोलने के लिए आया हूं जो 8 साल मैं बोल नहीं पाया सॉरी तुम इस तरह से मेरे घर नहीं आ सकते हो नो नॉट एट ऑल मैं इस दहलीज के इधर ही रहूंगा प्रॉमिस वो डॉक्टर वो जो कल टॉवल में था बाउंड्री लाइन के उस तरफ वो ये बाउंड्री लाइन क्रॉस कर सकता है मैं साला यहीं रहूंगा इधर तुम यहां भी नहीं रह सकते हो इस वक्त वक्त हमारे लिए कब रुका है नित्या हम जब किचन में काम करते थे ना तो वक्त को रोक लेते थे ऐसे वो दम बिरयानी 6 घंटे लेती थी और वो हमने क्या पकाया था हमने वो लाल मांस याद है और जब हमने लाल मांस पकाया था कैसे उसको मिट्टी में रखकर कोयले के बीच में डालकर सेक सेक कर पकाया था मैंने भी बिल्कुल वैसे 8 साल लगा दिए सॉरी को बोलने में गलती की मैंने उस दिन सॉरी तुमने सुना नहीं उससे आज सुन ले यार प्लीज सर से एक बहुत बड़ा बोझ कम हो जाएगा आई नो वो तौलिया वाला डॉक्टर है आई नो बट यू नो यू एंड आई मैं और तुम वी वर अ परफेक्ट डिश तुम और मैं कभी भी परफेक्ट डिश नहीं थे प्लीज लीव एक चांस दे दो प्लीज विवान के लिए प्लीज क्यों क्योंकि ये खाना बनाकर लाए हो नो खाना हमारे बीच में महज खाना कब से हो गया वी हैड आवर मेमोरीज लिंक टू फूड तुझे पता है मैंने कई घंटे खड़े होके इसमें मसाले और अपना प्यार छिड़क के तेरे मोहब्बत के मैरिनेशन में घोल के तेरे इश्क के तंदूर में भून के तेरी याद में अपना हाथ जला के बड़े दिल से बनाया है ये तेरा चलो कबाब जो कुछ भी हुआ उसके
इट्स ओके. थैंक यू फॉर नॉट टेलिंग विक्रम कि मैं आऊं. उसे नहीं मालूम चलेगा. एंड आई होप वो दोबारा यहां लौट कर नहीं आएगा. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग माँ. क्या सुबह सुबह डरा रही हो. जोसेफ, सर दुख रहा है ना. जोसेफ, ऑरेंज जूस नहीं, केल का जूस बनाओ और डिस्प्रिन लेकर आओ. क्यों सुबह सुबह मदर इंडिया बन रही हो माँ. कमाल है, मैं तेरा ख्याल रख रही हूँ और तू मुझे ऐसे. बस सुबह आई हो, पक्का कोई ना कोई एजेंडा होगा. मैं जानता हूँ. बोल दो बोल दो. जूस का वेट मत करो, सिस्टम से बाहर निकाल दो. बोलो. एजेंडा वेजेंडा कुछ नहीं है. हाँ, तुझसे बात जरूर करनी है मुझे. जोसेफ, गोली अपने आप तो ग्लास में नहीं चली जाएगी ना, उसे उठाओ और पानी में डालो. हैंगओवर हो रहा है ना, क्योंकि रात को तूने बहुत पी ली थी. और तूने पी ज्यादा इसलिए क्योंकि तुझे पेन हो रहा था. और पेन इसलिए हो रहा था क्योंकि नित्या लॉन्च पार्टी छोड़कर चली गई. जोसेफ, माँ के जाने के बाद ने मुझे तीनों डिस्प्ले लेने. मुझसे नाराज क्यों हो रहा है? नाराज तुझे उस लड़की से होना चाहिए. माँ प्लीज, कल रात को उससे बात करने की कोई जरूरत थी? मैं तेरे बेटे से मिलना चाहती हूँ विक्रम. ही इज माय ग्रैंडसन, कुछ तो हक है ना उस पर. मैं माँ, डिवोर्स की सिर्फ एक कंडीशन थी, दैट वी गिव अप आवर राइट ऑन द चाइल्ड. लीगली विवान पर हमारा कोई हक नहीं है. और ये डिसीजन किसका था? मेरा था, गलती थी मेरी. तो क्या इस गलती की सजा वो सारी जिंदगी देगी हमें? माँ, आई कांट आर्ग्यू विद यू. किस्मत से मैं उन दोनों से मिला हूं माँ, 8 साल के बाद. उससे मिला था मैं अपने बेटे से. प्लीज माँ, मैं विवान के साथ में एक बहुत ही नॉर्मल ऑर्गेनिक रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहा हूं. सो स्टॉप हैरेसिंग नित्या. प्लीज माँ, प्लीज डोंट इंटरफेयर. अच्छा बाबा. Hey. इतनी न्यूडिटी कॉरिडोर में, मिसेस देशपांडे को हार्ट अटैक आ जाता आज तो. तुम लेक्चर मत दो. कल रात तुम्हारे दरवाजे के सामने जो रोमियो जूलियट का सीन हुआ ना, वो पूरी बिल्डिंग ने सुना है. हाउ अबाउट दैट? इट्स ओके, इट्स ओके. सब कॉमन चीजें होती रहती है. मैंने अपनी एक्स वाइफ के घर के सामने कितने मोर्चा संगठन किए हैं. यू नो इट्स एज कॉमन एज ड्रंक ड्राइविंग और ड्रंक डायलिंग. मोर इंपॉर्टेंटली, हाउ आर यू? अनबिलीवेबल, विक्रम तुम्हारी कजन के साथ. आई डिडंट नो अबाउट दिस. तो नो वंडर तुम उस इंसिडेंट को भूल नहीं पाई और यू हैवंट फॉरगिवन हिम. बट माय क्वेश्चन इज, अगर वो तुम्हें इतना चाहता था तो व्हाई डिड ही डू दैट? तुमने कभी पूछा उससे? इस बारे में दोबारा कभी बात नहीं की मैंने उससे. अब मुझे तुम्हारा गुस्सा समझ में आ रहा है. Now that I know why, but एक बार पूछ तो लेती. अच्छा है मैंने कभी तुम्हें कंसल्टेशन फीस नहीं दी. तो क्या पूछती मैं उससे कि क्या तुम्हें मेरी कजन ही मिली थी? या ये पूछती कि तुमने इस फ्रेज को इतना सीरियसली क्यों ले लिया, साली आधी घर वाली. Are you being funny, Nitya? नहीं, actually yes. तुमसे ही तो सीखा है मुश्किल समय में फंड ढूंढना. सीरियसली, यू नीड टू फाइंड आउट. यू नो, आफ्टर ऑल इट्स क्लोजर. तुम्हें उससे पूछना होगा कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया. ओ माय गॉड नित्या, विवान रोज एग्जैक्टली लाइक मी. ही इवन टॉक्स लाइक यू. उसके मैनरिज्म्स, हाथ हिला हिला के बात करता है तुम्हारी तरह. गौरी, तुम यहाँ हो, शेखर परेशान हो रहा होगा तुम्हारे लिए. नहीं नित्या,
शेखर जिसे तुम एक आदर्श पति समझती हो ना, वो अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ काफी बिजी है। व्हाट गर्लफ्रेंड, बहुत ही इनोसेंट टाइप का है वो। यू नो मुझे लग रहा है तुम क्योंकि लड़की आई हो ना इसलिए तुम उल्टा पुल्टा सोच रही हो उसके बारे में। तुम सब ना उसे रामचंद्र और मुझे शूर्पणखा समझते हो। यू डोंट बिलीव मी ना, ये देखो प्रूफ, ये देखो बार में बैठा है उसके साथ। मुझे क्या बोला था, दिल्ली अपने क्लाइंट मीटिंग पे ही जा रहा हूँ। कौन सी क्लाइंट के साथ अब बैठता है रात के 12 बजे बार में? देखो कैसे खीखी कर रही है। आई मीन ये देखो उसके FB का DP मेरे हस्बैंड का बैग है। कैसे ये वाली खिड़की से खींचा है उस बिच ने शेखर का पिक, और कैप्शन देखो, प्यार हमें इस मोड़ पे ले आया है। इससे ज्यादा क्या प्रूफ चाहिए आपको? इसका मतलब शेखर सच में चीट कर रहा है। एग्जैक्टली नित्या, और मेरी बात का कोई विश्वास नहीं कर रहा। दैट इज वाई आई नीडेड योर हेल्प। मैं विक्रम की बहन जरूर हूँ, लेकिन उससे और माँ से ज्यादा मुझे आप पे भरोसा है। Remember you told me you know some divorce lawyer, right? करण की एक्स। हाँ तो मुझे मिला दो। Sure. This is unbelievable. So basically, I need the name cards. People are very particular about these things, so can you just see to it that it's the flowers and everything out. Okay. And the glasses, just see to it the glasses. Oops. Good morning. What happened to you? You look like shit. Ah, drink much? I know exactly what he needs. He needs a Bloody Mary without the bloody or the Mary. Up. Thank you. Your Bloody Mary? Wait. I have something better. Really? I am so excited आज reviews निकल के आने वाले। You know आज suddenly मुझे लग रहा है जैसे मैं आलिया भट्ट हूँ और इन reviews के साथ मेरा debut होने जा रहा है। So exciting। Please honey, don't flatter yourself। यहाँ कोई आलिया भट्ट नहीं है, ना तुम और ना तुम्हारा staff। पर वो नित्या, वो happy भाग जाएगी जरूर है। Service end होने से पहले भाग गई। नित्या अपने घर से प्लेट लाकर यहाँ क्यों छोड़ के गई है? Very strange. I'll just be back, guys. Quick, have this. You'll feel better. Feeling better. उठो, उठो। कोई टेररिस्ट अटैक, पुलिस एंड क्या हो गया? 10 बज रहे हैं। 9 बजे पहुंचना था मुझे। I don't get late, you know. You don't get late? Yep. Let's make you late then. Shit. I'm getting late. Don't go. Achha. Just get up now. Utho. Get up. Are utho. Yeah. God, you really make me feel like a hooker, huh? Come. नित्या, I just wanted to tell you कि मैंने माँ से sorry. कबाब खाया तुमने? नहीं खाया। बॉयफ्रेंड को खिला दिया। विक्रम, तुमने एक बात बिल्कुल सही की थी कल। हमारे लिए खाना कभी भी सिर्फ खाना नहीं था। खाना हमारे लिए हमारी यादें हैं, है ना? मैं जब भी वो डिश देखती हूँ, मुझे तुम याद आते हो, तुम्हारा झूठ याद आता है, तुम्हारा धोखा याद आता है। मैंने इसलिए कई सालों से ना तो चलो कबाब बनाए हैं और ना ही खाए हैं। नित्या, I really need to tell you this, that
I've been meaning to. विक्रम, मैं कब से तुम्हें फोन कर रही हूँ? Why are you so impatient, ma? अब क्या हो गया? आओ सुनो. और सब लोग यहाँ पर क्यों आए? What's the matter? Revati, let's take a break. हमारी डिजर्ट रिव्यूज अच्छे नहीं है, so let's go and talk to Mr. Shah. Okay? लगता है फैमिली मैटर है. कोई मुझे बताएगा कि क्या हो गया है? शेखर, गौरी, विक्रम, कोई है जो तुम्हारी बहन को डिवोर्स के लिए इनकरेज कर रहा है? This is a joke, right? One of those fights? ओह, कब सुधरोगे तुम लोग यार? गौरी, तू मेरी बहन है और मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, पर शेखर की गारंटी मैं ले सकता हूँ. शेखर इज अ गुड मैन. हाँ, थोड़ा मोटा है, बट यू कांट डिवोर्स हिम फॉर दैट. मुझे पता था आप लोग शेखर की साइड लोगे, इसलिए इस बार मैं अपना लॉयर साथ लेके आई हूँ. क्या तुम लॉयर साथ में लेकर आई हो? इतने छोटे से झगड़े को अब तुम कोर्ट तक लेकर जाओगी? नित्या, लिसन गौरी, ये इशू तुम दोनों के बीच में है, एंड यू विल सॉर्ट इट आउट अमंग्स योरसेल्फ. एवरीवन एल्स प्लीज लीव. चलो मां. नित्या, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, ये सब तो टीम शेखर है. आई नीड यू हियर विद मी. आखिर तुमने मेरी कितनी मदद की है, यहां तक कि लॉयर लाने में भी.